Director Nandita Das's Manto is a poignant and hard-hitting biopic about the controversial Indo-Pakistani Urdu short story writer Sadat Hassan Manto. It is her tribute to Manto, albeit one she renders with honesty as she presents the celebrated writer with all his failings and greatness. The movie opened to great public reactions. Watch some reviews here. थोड़ी कड़वी है, थोड़ी मीठी है और बहुत सच्ची है और नंदिता दास हैट्स ऑफ और नवाजुद्दीन साहब तो मतलब बहुत ही कमाल मतलब ये रोल के लिए नवाजुद्दीन ने एक्टिंग करना चाहिए मतलब ऐसे लगा कि मतलब ये उनके लिए ही बना हुआ है ये रोल बहुत अच्छा लगा और बाकी भी फिल्म बहुत अच्छी है नवाजुद्दीन आपने मंटो जिया है बहुत ही बखूबी से जिया है और ये फिल्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है ये फिल्म बहुत पहले आनी चाहिए थी लेकिन अगर आप आई हैं तो आप तो देखना ज़रूरी है मंटो को सिर्फ पढ़ा था मैंने लेकिन फिल्म देख के लगा कि वाकई जो मंटो को पढ़ा था और जिस तरह से उनको मैंने सोचा था वो उसी तरह का बेबाकी के साथ उनको जो इस फिल्म में दिखाया गया है नवाज़ ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है उनकी कहानियों के जो किस्से बीच बीच में बुने गए हैं कहानियों में जो नंदिता दास ने दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है आई रियली लव द फिल्म मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी सदा था मंटो की बात करें तो जिस तरह का किरदार नवाज़ ने निभाया है मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई इस तरह का किरदार नवाज़ के अलावा कोई और अभिनेता निभा पाता अच्छी लगी मतलब द मूवी टेक्स यू टू दैट एरा इट इज़ंट अबाउट नवाजुद्दीन बट मंटो इटसेल्फ तो मतलब ऐसा लगा मैं वहाँ पहुँच गई थी ऐसा लगता नहीं है मूवी देख रहे हैं और मूवी बहुत रियल स्पेस में की है सब मतलब छोटी सी छोटी चीज़ वो टाइम में जैसी थी वैसी है और मूवी इंडिया में और पाकिस्तान में है तो वो टाइम की बहुत सारी चीज़ें पता चलती है द मूवी रिसीव्ड नथिंग लेस देन 4.5 स्टार्स चार भी मुझे लगता है कम है 4.5 तो दे ही देना चाहिए जिस तरह की मेहनत उन्होंने की इस फिल्म के साथ 4.5 Overall, Manto rooted in history is a treat to watch. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.